तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट इमेज फॉर्मेशन, जो कि हम सभी लोग जानते हैं चैप्टर वन फिजिक्स के लाइट चैप्टर का है। और ये पहला एक इम्पोर्टेंट इमेज है जब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी कर्वेचर से इधर दिया हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ में हो, तो हम लोग का जब रे यहाँ से निकलेगा मिनिमम 2 लेना है, और वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस के पास होगा। एक ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे करके लेके जाएंगे और ये नीचे की तरफ से घूमेगा, टर्न लेगा। ये हम लोग जानते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट की रे टकराती है, यहाँ पे मान लीजिए ये हम लोग का कौन सा मिरर है, तो ये हम लोग का कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में जब यहाँ से लेकर के टकराती है तो ये फोकस से आके हम लोग को टर्न लेती है, रिफ्लेक्ट होती है, और जब ये फोकस से जाती है तो फिर वो यहाँ पे सरफेस पे आके उसके बाद इस तरफ रिफ्लेक्ट होता है, हमेशा पीछे की तरफ इसमें रिफ्लेक्ट होता है। और जब यहाँ पे हम लोग इमेज तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, इसमें जो इमेज जो बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉलर इन साइज बनेगा। और ये किसके किसके बिटवीन आएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, इस दोनों के बीच में आएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए जब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा होगा, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रहेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग का जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये फोकस से जाएगा। और एक और इसका नियम हो यानी कि लॉ होता है, जब ये प्रिंसिपल फोकस सॉरी पोल पे आता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जितना एंगल इधर बनता है उतना ही एंगल इधर भी बनता है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनता है। अब जब हम इसको मिला देंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज, तो इमेज क्या होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल मैग्नीफाइड हो गया, यानी कि बहुत बड़ा हो रहा है। और इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर अडिश मिरर इज यूज है शेविंग मिरर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। हम लोग जब नाई के यहाँ बाल कटाने जाते हैं तो इसी तरह के मिरर का प्रयोग होता है।